सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज पंकज। आज मैं करने वाला हूँ रिव्यू BMW Z4 सीरीज का। सो दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन, सो कस्टमाइज की है कस्टमर ने अपने अकॉर्डिंग। सो Z4 सीरीज हमेशा से ही पॉपुलर रही है, चाहे इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, चाहे इसके फीचर्स के बारे में। सो डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए टू नेवर मिस एनी अपडेट। सो डिटेल में बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेकेंड जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था वाइडर ऑडियंस के सामने विद इट्स बिगर डिमेंशन, एडजस्टेबल स्टेयरिंग, थ्रॉटल एंड चेसी सेटिंग और इसके फोल्डिंग हार्ड टॉप से। जो इसका प्रीवियस मॉडल आता था वो आता था फैब्रिक रूफ के साथ। सो ये अवेलेबल है टोटल 9 कलर्स में, स्पेस ग्रे, डीप सी ब्लू, अल्पाइन वाइट, ऑरियन सिल्वर, क्रिम्सन रेड, ब्लैक टाइटेनियम सिल्वर, ब्लैक सल्फायर एंड हवाना। सो इस कार का ओरिजिनल कलर है अल्पाइन वाइट, जिसको मैटिंग दी गई है ब्लैक कलर में। तो चलिए बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, लेकिन उससे पहले चेक करते हैं इसकी की। तो ऐसे आपको इसकी की देखने को मिलेगी, ऊपर है इसके लॉक का बटन, नीचे है बूट ओपनिंग का बटन और BMW का लोगो। सो अगर फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो काफ़ी लॉन्ग और लो हुड रखी गई है विद शॉर्ट डेक प्रोपोर्शंस ऑफ क्लासिक रोडस्टर। ऊपर विंडशील्ड दी गई है हीट प्रोटेक्शन ग्लेजिंग के साथ। नीचे है इसके रेन सेंसिंग वाइपर्स। सो एलिवेटेड स्टाइल में है इसका लॉन्ग बोनेट, तो देख सकते हो आप क्रीज लाइट्स दी गई हैं जो कि दे रही है काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक इस कार को। सो चेक करते हैं इसकी हेडलाइट्स। सो ज़ेनन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है विद 4 LED DRL क्रोना रिंग्स, साथ में इसके टर्न इंडिकेटर्स और नीचे हाउसिंग दी गई है इसके वॉशर के लिए। सेंटर में इसके BMW का लोगो। नीचे स्लॉट्स में आप देख सकते हो उसकी फ्रंट ग्रिल। सो 9 स्लॉट ईच साइड आपको देखने को मिल जाएगी ब्लैक फिनिश के साथ। इसके अलावा नीचे हाउसिंग दी गई है इसके फॉग लैम्प्स के लिए और ब्लैक फिनिश में इसकी फ्रंट लोअर बम्पर ग्रिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करती है इंजन को। तो ये थी इसकी फ्रंट प्रोफाइल। तो अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल स्टार्ट करते हैं इसके व्हील एरिया से। तो अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे सिल्वर और ब्लैक फिनिश के साथ। सेंटर में है BMW का लोगो। सो पिरेली P0 कंपनी के है इसके टायर्स। रेशियो है 225/40R18। सो साइड पर आपको यहाँ पर सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी डिज़ाइन में और साथ में इसके BMW की बैजिंग। सो अगर आउटसाइड रियर व्यू मिरर की बात करें तो वो है फोल्डेबल विद ऑटोमेटिक एंटी डेजल फंक्शन के साथ। सो अभी मैट फिनिश में इसका डोर हैंडल, लेकिन आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिलेगा ओरिजिनली। रियर पिलर के साथ है इसका ग्लास इंसर्ट, साथ में इसके एंटीना। फ्रंट टायर और रियर टायर दोनों में ही डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। तो जिसकी टायर प्रोफाइल रेशियो है वो इसके 265/35 ZR18। साइड में भी इसके अग्रेसिव क्रीज लाइंस और इसकी लॉन्ग आर्क कनेक्ट करती है इसकी फ्रंट हुड को रियर फेंडर के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो जैसे कि ये एक कन्वर्टेबल कार है तो यू कैन ओपन इट्स रूफ। तो नीचे है इसका डिफॉगर, नीचे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, नीचे इसका बूट ओपनिंग के लिए यहाँ पे बटन, Z4 की यहाँ पे बैजिंग। सो पॉश बॉक्सर स्टाइल आपको इसके टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे जो आते हैं LEDs में, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। नीचे इसके पार्किंग सेंसर्स, नीचे रिफ्लेक्टर और डुअल एग्जॉस्ट टेल पाइप आपको देखने को मिल जाएगी दोनों साइड। सो उसके अलावा ये आते हैं मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन और इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन के साथ। सो चलिए चेक करते हैं इसका बूट एरिया। तो यहाँ से ओपन होगी इसकी बूट लिड। तो टोटल 310 liters की इसकी बूट स्पेस रूफ अप करने पर। तो यहाँ पे जो आप ट्रे देख रहे हो, जैसे हम रूफ डाउन करेंगे तो फोल्ड होके रूफ यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। तो मटेरियल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है इसकी। यहाँ पे भी है स्टोरेज स्पेस, लेकिन रूफ डाउन करने पर आप सिर्फ ट्रे के नीचे की बूट असेस कर सकते हो जो कि है टोटल 180 liters की। स्टिल बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कैरी करने के लिए, सूटकेस, कैमरा बैग और सेवरल डफल बैग्स। सो अगर बात करें इसकी डिमेंशंस के बारे में तो लेंथ है इसकी 4-39 mm की, विड्थ है इसकी 1790 mm की और हाइट है इसकी 1-91 mm की। सो व्हील बेस है इसका 2496 mm का। उसके अलावा अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो काफ़ी डिसेंट दिया गया है जो कि है 130 mm का। और ड्राइवर साइड है इसके फ्यूल टैंक
जिसकी टोटल कैपेसिटी है 55 लीटर्स। और फ्रंट पे इसकी BMW की बैजिंग और इसकी वेरिएंट की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि है S-Drive 35i। सो चेक करते हैं इसकी इंजन प्रोफाइल। सो हाइड्रोलिक हुड ऑपनिंग की ऑप्शन मिल जाएगी इसमें। इंजन डिस्प्लेसमेंट है इसकी 2979 cc की। मैक्सिमम पावर इसकी 306 bhp और मैक्सिमम टॉर्क है इसकी 400 Nm की। सो टोटल 6 सिलेंडर्स है इसमें। 7-speed डुअल क्लच गेयरबॉक्स। 0-100 जाती है 5.1 सेकंड में। टॉप स्पीड है इसकी 250 km/h और माइलेज देती है 10.37 km/l की। इसके अलावा बोर स्ट्रोक की रेशियो है इसकी 84:89.6 mm की और कंप्रेशन रेशियो इसकी 10.2:1। बात करते हैं इसकी इंटीरियर की, तो स्टार्ट करते हैं ड्राइवर साइड डोर से। सो सॉफ्ट टच मटेरियल आपको इसके डोर पैड्स पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसके पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे ORVM एडजस्टर, सिल्वर फिनिश पे इसका डोर हैंडल, यहाँ पे स्पीकर और नीचे कन्वीनियंस स्पेस। इसका प्लेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे BMW की बैजिंग। सो इंटीरियर इसका लेदर अपोस्ट्रोफी के साथ। पावर एडजस्टेबल है इसकी ड्राइवर सीट, यहाँ से आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से इसका लेग रूम और यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल। और मेमोरी फंक्शन के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन, मैनुअली आप इसका थाई स्पॉट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हेडलैम्प लेवलिंग के लिए बटन, यहाँ पे एसी वेंट्स। सो बाकी इंटीरियर चेक करने के लिए लेट्स स्टेप इनसाइड। सो कंजेस्टेड कैबिन है इसका, रेड एंड ब्लैक फिनिश में इसका इंटीरियर। सो कार ऑन करने के लिए यहाँ पे की इंसर्ट करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट द कार। यहाँ पे कॉल इंफोटेनमेंट और वॉइस के लिए कंट्रोल, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स। सो लेदर एडबेस का स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे पैडल शिफ्टर। एनालॉग में इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेफ्ट साइड इसका स्पीडोमीटर और राइट साइड इसका RPM मीटर। सेंटर पे आपको डिजिटल स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको किलोमीटर्स, फ्यूल लेवल, टेम्परेचर लेवल एक्सेट्रा की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। सो बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की, तो ऊपर आपको 8.8 इंच का इसके डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। नीचे इसके AC विंड्स और सेंटर में हजार्ड लाइट। नीचे ऑप्शन दी गई है ऑटोमेटिक क्लाइमेट के लिए कंट्रोल्स। सो लेफ्ट साइड यहाँ से टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से डिफॉगर, यहाँ से आप कैबिन की टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हो। और नीचे इसका CD/DVD रीडर, यहाँ पे है वॉल्यूम कंट्रोल और नीचे ट्रैक और स्टेशन चेंज करने के लिए ऑप्शंस। नीचे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप रूफ ओपन या क्लोज कर सकते हो। नीचे है इसके ऐश ट्रे, यहाँ पे है 7-speed गियर लीवर। सो साइड बटन प्रेस करके आप इसका मोड चेंज कर सकते हो। नीचे इसका ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए बटन, यहाँ पे नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड की ऑप्शंस। और यहाँ है इंफोटेनमेंट के लिए कंट्रोल्स, यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हो ऑप्शंस। यहाँ ऑटो पार्क की ऑप्शन। सो ऊपर है इसके IRVM ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ। सेंटर में इसका रीडिंग लाइट। सो पैसेंजर साइड है इसका सनशेड वैनिटी मिरर के साथ। सो ड्राइवर साइड भी है इसका सनशेड वैनिटी मिरर के साथ। पैसेंजर साइड है इसका ग्लव बॉक्स। सो स्पेस चेक कर रहे थे इसकी, सो काफ़ी आपको अच्छी इसकी स्पेस मिल जाएगी ग्लव बॉक्स की। यहाँ पे लाइटिंग की ऑप्शन भी मिल जाएगी और यहाँ पे आपको CD/DVD प्लेयर भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा, जिसपे आप टोटल 6 CDs इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ CD इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन और यहाँ से लोड करने के लिए ऑप्शन। सो टोटल आपको 7 CDs की ऑप्शन मिल जाएगी इस कार में। सो इवन यहाँ से आप इसकी थाई स्पोर्ट भी चेंज कर सकते हो, इवन ऑन ड्राइवर साइड। यहाँ पे ऑक्स की ऑप्शन।
सो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको काफ़ी कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे सीडी, रेडियो, टेलीफोन, कॉन्टैक्ट सर्विसेज, व्हीकल की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप ऑनबोर्ड कंप्यूटर पे, जैसे कि इसकी जर्नी की इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हो, टोटल टाइम ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस, इसकी एवरेज माइलेज। इसके अलावा इसमें व्हीकल की स्टेटस आप चेक कर सकते हो, जैसे कि फ्लैट टायर मोनीटर, टायर प्रेशर मोनीटरिंग, इसके अलावा इंजन ऑयल लेवल, इसकी सर्विस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इवन चेक कंट्रोल्स। और इसके अलावा जैसे इसकी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो, जैसे टाइम, लैंग्वेज, टोन, स्पीड, लाइट्स, जैसे डोर के लॉक्स, और जैसे एक्सटर्नल आप मीडिया सेलेक्ट कर सकते हो, अगर एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड है यूएसबी के साथ या ऑक्स के साथ। इवन आप यहाँ इसमें म्यूज़िक कलेक्शन भी आप स्टोर कर सकते हो इंटरनली। तो यहाँ इसका आर्म रेस्ट, यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी, और यहाँ पे ऑक्स की ऑप्शन, यूएसबी और इवन 12 वाट का सॉकेट की ऑप्शन भी मिल जाएगी। सो अब ओपन करते हैं इसकी रूफ। सो रूफ ओपन करने के लिए यू हैव टू प्रेस दिस बटन एंड होल्ड। तो आपको कार कैसी लगी, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द थम्स अप बटन। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न नोटिफिकेशंस ऑन टू नेवर मिस एनी अपडेट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कार के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे।